जीएसटी में बात कर रहा हूँ। तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, मैं इसको क्या करूं, फिर भी मैं कह देता हूं। जैसे जीएस का पार्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री है, इसका दूसरा क्षेत्र है ज्योग्राफी, इसका तीसरा क्षेत्र है इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इसका चौथा क्षेत्र है इंडियन इकोनॉमी, और इसका पांचवा क्षेत्र है जनरल साइंस, और इसका छठा है, अगर आप बिहार के केस में आइएगा, बीपीएससी मैथ, यूपीएससी में ये अलग, सीसैट में है, समझ रहे हैं, मैथ, छठा इसका क्षेत्र है, छठा क्षेत्र है, एक दो तीन चार पांच छह सातवां करंट अफेयर्स। अगर आप बीपीएससी की बात कीजिएगा तो बीपीएससी में 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन में लगभग 35 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, 30-35 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी, 15-17 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, 30-35 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम करंट। यह आपका समीकरण, बात समझ रहे, आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को उलट के देख लीजिए, एक दो इधर उधर माइनस प्लस, ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, बात समझ रहे, ऐसा नहीं समझना कि इतना ही क्वेश्चन गिर के आएगा, 36 भी हो सकता है, जैसे उदाहरण देता हूँ, आप 39वीं या 38वीं बीपीएससी की बात कीजिए, 39वीं 38वीं, किसने सी अस्पात दो अस्पात पूछा, दिल्ली में बैठा उस समय, है ना, ये बात है कब की, 93 या 94 की बात है, उसमें हमारे एक सीनियर थे मोहन जी, उसमें हुआ था, और फर्स्ट पहली बार यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया, बेचारे करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बीपीएससी के पहली बार वो पीटी क्वालिफाई किए, पीटी के बाद मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, फाइनली देवघर में ज्वाइन भी कर लिया है डिप्टी कलेक्टर, उसमें चूंकि डिप्टी कलेक्टर का इंपॉर्टेंट था, तो डिप्टी कलेक्टर को देवघर ज्वाइन किए, लेकिन बाद में चूंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आया था, उनका बॉटनी माने जो है बॉटनी से एमएससी किए हुए थे, समझ लीजिए, भागलपुर रखते थे, तो वो जो है उस परीक्षा में भी उसमें सफल हो गए, इसको हमको लगता है कि एक साल नौकरी किए भी नहीं होगी, 8-9 महीने जॉब किए उसके बाद छोड़ के चले गए फॉरेस्ट सर्विस में, समझ लीजिए, तो ये जो है तो उसमें 47 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा था, आप 2003 की क्वेश्चन को देख लीजिए, 2003 में जो हुआ था, तीन नहीं आप ये कहिए ऐसे समझिए 43वीं या 44वीं बीपीएससी 43rd या 44th में, उसमें ज्योग्राफी से एलोन ज्योग्राफी से 59-60 क्वेश्चन पूछा, उसी में क्वेश्चन पूछा था हु हैज गिवन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइकिल ऑफ ग्रोथ, अपरदन चक्र को परिवर्तित किया था, सॉरी प्रवर्तित किया था, तो हिंदी में लड़का कंफ्यूज कर गया, प्रवर्तन का मतलब होता है प्रोपोंडेड, हु हैज प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ ग्रोथ, ये नहीं था, है ना, उसमें अंग्रेजी में था हु हैज गिवन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइकिल ऑफ ग्रोथ, अपरदन चक्र को संशोधित रूप में, हिंदी बिहार का हिंदी जो अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता हाथ पर तोड़ देता है, या हिंदी से अंग्रेजी हाथ पर तोड़ देता है, इसीलिए आप कभी भी परीक्षा देने जाते हैं खास करके बिहार, हिंदी अंग्रेजी कहीं भी आपको दिक्कत हो कंफ्यूजन हो, आप अंग्रेजी वाला वर्सन हिंदी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी वाला एक बार जरूर देख लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक बार हिंदी को भी देख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, उसमें 60 क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी, उस पर नहीं जाना है, ये आपका इस पर आप कीजिए, अब देखिए कि आपको पीटी होने के लिए कितना क्वेश्चन को टारगेट बनाना है, आपको 110 का टारगेट बनाना, नॉट लेस देन 110 बट मोर देन 110, ये टारगेट रखिएगा, तब आप 6-7-8 पर अटकिएगा, 110 से ज्यादा आपको बनाना, 110 कैसे आएगा, तो आप हिस्ट्री सेक्शन को बढ़िया ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी सेक्शन को बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्वालिटी जो है आसान होता है, अगर थोड़ा सा पढ़िएगा, ये भारी नहीं है, इसमें ज्यादा माथा पची नहीं है,
ये थोड़ा आसान होता है। अगर इसको छोड़ते हैं एक क्वेश्चन आपसे गलती होती है, इसका मतलब कि आप बहुत सीरियस नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है तो आप इसको आप एक बात बढ़िया से देखिए, इकोनॉमिक्स में आप कितना भी बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा ये आपसे दिक्कत होगी, यहाँ पर परेशानी होगी, फिर भी 50 क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। जनरल साइंस अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो ठीक, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा, बहुत नहीं बनेगा, आधा अधूरा होगा। हाँ, साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बॉटनी जूलॉजी का क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन फिजिक्स में आपको दिक्कत होगी। केमिस्ट्री कुछ एक आध क्वेश्चन बनेगा, इसमें आंशिक बनेगा, पार्शियल बनेगा। और मैथ, अगर आपका मैथ ठीक है तो आप बना सकते हैं, 10 में 10 ये कन्फर्म होता है। जो मैथ के होते हैं, जो इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं, जिसका मैथ अच्छा होता है वो सबसे पहले मैथ बना लेता है, 10 क्वेश्चन का मतलब कन्फर्म हो गया, डेट सी हो, समझ रहे हो, तो उसको कोई नहीं काट सकता, अन्यथा आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, दिक्कत होगी। हाँ, इसमें एक आध क्वेश्चन आप चाहें अगर आप पढ़िएगा आप बना सकते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से रहता है, इसमें मिक्स रहता है, प्योर मैथ नहीं रहता है, मिक्स रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग सीरीज, उसके बाद आके डाइस है ना, डाइस कई क्षेत्र से रहता है, उसके बाद आके एक रहता है सीरीज और डाइस हो गया, ये सब क्षेत्र है, एटीट्यूड इसको कह सकते हैं, है ना। तो इसको आप एक दो क्वेश्चन इससे फिर भी बना सकते हैं। टाइम डिस्टेंस से भी रहता है ना, उसके करेंट अफेयर्स, ये तो आप पेपर मैगजीन पढ़िएगा, अभी से पढ़िएगा, रोज जो पढ़ते हैं आप उसका परिणाम होगा, समझ रहे। 10 क्वेश्चन यूपीएससी है, कोई ठिकाना नहीं है इसका, कभी कभी जो है आपको 20-25 क्वेश्चन पूछ देता है, केवल करेंट अफेयर से पूछ देता है, कई बार ऐसा हुआ है, समझ रहे ना। आप एक साल का अगर आपकी परीक्षा इस बार मान लेते कभी मई में परीक्षा होने जा रही है, मई में परीक्षा होने जा रही है, अगले पिछले मई से लेकर और अभी जो है जनवरी फरवरी तक का आप करंट को देख लीजिएगा, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन उसको ठीक से पढ़िए, तैयार कीजिए, ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा पेपर मैगजीन, अगर आप मैगजीन लेते हैं, मैगजीन तो हर कोई लेते हैं, तो आप लोग बताइए, मतलब अपने दिल पर हाथ देख के बताइए कि क्या ईमानदारी से कि क्या आप लोग पढ़ते हैं, अगला जो आप इशू लेते हैं है ना, तो क्या उससे पहले पूरा उसको पढ़ चुके होते हैं, नहीं पढ़ते। जिस दिन खरीदते हैं बड़ा उत्साह से, 2-4 दिन उसको देखते हैं, उलटते पलटते हैं, उसके बाद वैसे ही बंद पड़ा रह जाता है। कब ये सब बात याद आती है, जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाती है। तो आप देखिए, कोई भी काम है, जिस काम को जब करना है अगर उसी समय कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर है। अभी का काम आप उसको पेंडिंग में रख दिया, जब आपकी परीक्षा सामने आएगी तब आप जो है पूरा एनर्जी लगा देंगे, पूरा उस समय लगता है जैसे हम पृथ्वी को लड़ते हैं, है ना, जैसे हिमालय पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात होती है, वो सरगर्मी आ जाती है, वो एनर्जी आ जाता है। तो उस समय करने से आपको दिक्कत होगी, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं कही जाएगी। आप स्लो एंड स्टडी वाला मेथड अपनाइए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, आप में नियमितता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए, अब आप अपने संभावनाओं को तलाशिए कि मेरा क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आप हिस्ट्री में थोड़ा औरों से बेहतर फील करेंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो हिस्ट्री में 30-35 क्वेश्चन सारा बना देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। क्योंकि आज के कोई भी बच्चे हैं जो पढ़ के आते हैं कॉलेज से, सबको हम लोग जानते हैं, बात समझ रहे हैं। जब तक आप एक दो बार पढ़िएगा नहीं, क्योंकि आज हम अपने हम क्या देखते हैं कि बस 5 क्वेश्चन पढ़ के गेस पढ़ के पास कर जाते हैं, 60%, 65%, 70% नंबर आ जाता है, क्यों पढ़ेगा पता है। तो क्यों, वो पास तो कर गया, डिग्री मिल गई, तो वो नौकरी तो उससे नहीं मिलती है। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर जब आइएगा तो आपको फिर फ्रॉम द बिगनिंग आपको शुरू से करना पड़ेगा, जो चीज़ आपने छोड़ दिया शुरू में, इग्नोर कर दिया, उसको फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे। इसीलिए कम से कम आप तो ऐसे पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने का आपको आवश्यकता ना पड़े, तो इस तरह से पढ़ेंगे, ये जरूरी है सफलता के लिए। देखिए, आज के समय में आपके पास संभावना कम नहीं है, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बस अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए, अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाइए, तभी आप सफल हो सकते, अन्यथा नहीं तो ऐसे भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे। ये सारा चीज़ है। अब इसमें हिस्ट्री में इसका 3 पार्ट हो जाएगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न है ना, और बिहार दीजिएगा, एक इसका अलग से हो जाएगा, 4th पार्ट हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ बिहार। रीजनल क्वेश्चन याद रखिएगा कि बीपीएससी परीक्षा में रीजनल क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी। 10 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ बिहार
10 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो 10 दुना 20 क्वेश्चन, ये डिसिसिव फैक्टर जो है होता है परीक्षा में। अगर आप ये 20 क्वेश्चन को लैक आप छोड़ दिया, आपसे छूट गया, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। इसमें एनर्जी नहीं देना। आप अगर 8 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़िएगा, 7-8 दिन आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 7-8 दिन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, लेकिन डीपली केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आप दोनों का रीजनल क्वेश्चन बना सकते। 20 क्वेश्चन आपका कन्फर्म होगा। अरे बिहार है कितना बड़ा, बिहार को तो इधर से उधर आप नाप लीजिएगा। 7-8 दिन का अगर आप रिग्रेस अगर मेहनत करते हैं, तो बिहार का जो है परिचय से लेकर इसका चौहद्दी, इसके चारों तरफ, इसके उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में यूपी है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, है ना, ये सब आप चाहिएगा। तो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है, है ना, बिहार के प्लेन को दो भागों में बांटती है, दक्षिणी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, बिहार में 38 जिले हैं। आप जिला गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित जो जिला है, कौन कौन सा जिला है, दक्षिणी किनारे पर स्थित कौन कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, किसके साथ गंगा की सीमा बनती है, ये सब आप इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा समस्तीपुर से नहीं बनती, समस्तीपुर जिला की सीमा किस जिला से नहीं बनती। अब जब तक आप बिहार के मैप को नहीं देखे, क्या ये मैंने कहा आपसे कभी अंदाजिफिकेशन, अब आपको पता नहीं है कि समस्तीपुर कहाँ पर है। तो समस्तीपुर अगर आप बिहार के मैप को देखे रहेगा, तो समस्तीपुर यहाँ पर है, इस तरफ, इस कोने में, गंगा के किनारे जाइएगा, समझ रहे हो। तो समस्तीपुर की सीमा पटना से भी बनती है, समस्तीपुर की सीमा वैशाली से भी बनती है, समस्तीपुर की सीमा दरभंगा से बनती है, समस्तीपुर की सीमा बेगूसराय से बनती है, ना, खगड़िया से बनती है, सहरसा से बनती है, सहरसा से बनती है, हाँ सहरसा से बनती है, ना, ये आप जब पढ़िएगा तभी होगा, मैप से भी सब होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा झारखंड से बनती है, नहीं बनती है, किस जिला की सीमा नेपाल से बनती है, नहीं बनती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार, समझ रहे हैं। ये सब बड़ा माइन्यूट चीज है, आप इसको जब तक मैप पर नहीं देखिएगा तो आप नहीं बता सकते, समझ रहे हैं। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। अब पूछेगा कि एक व्यक्ति गंगा के उत्तरी किनारे पर, ए पर्सन मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग नॉर्थ कोस्ट ऑफ या लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा, ही विल सी द रिवर इन सीक्वेंस, कौन कौन से नदी को देखेगा क्रम में। मान लीजिए हम यहाँ पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, हम कौन कौन से नदी को देखेंगे, इस तरह का सवाल। ये सवाल आपको किताब में मिलेगा, ये सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मैप लेना पड़ेगा, मैप लेके बैठना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा, रिसर्च सेव करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ये सब 5-10 मिनट में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि गंगा के दक्षिणी किनारे पर, यानी राइट बैंक के सहारे व्यक्ति पश्चिम से पूरब जा रहा है, वो कौन कौन से नदी को देखेगा, सीक्वेंस राजस्थान पीसीएस में 1993 में क्वेश्चन पूछा था। एक व्यक्ति कांडला पोर्ट पर जहाज में सवार हुआ, उसको जाना है पारादीप, वो कौन कौन से बंदरगाह को देखेगा क्रम में, तो देखेगा आप तो कोई भी बता दीजिए, क्या भाई मुंबई देखेगा, नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू मरवा गांव देखेगा, न्यू मंगलोर देखेगा, कोचीन देखेगा, तुतीकोरिन देखेगा, अभी आगे इंदौर, इंदौर देखेगा, चेन्नई देखेगा, विशाखापट्टनम देखेगा, ये बता दीजिएगा, लेकिन सिक्वेंस बताना है, समझ रहे हैं। सिक्वेंस ये रीजनिंग टाइप का होता है, आजकल इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले रहता था क्वेश्चन ज्यादातर कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सही है कौन गलत है। आज पूछता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ऑफ द अबव स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट, 2, 3, 4 आर करेक्ट, 3, 4 आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव, इसके लिए बिना कंसेप्ट का होगा, ये सब कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये आसान है, लेकिन आप जब पढ़िएगा तब समझ लेंगे, सब कंसेप्ट बेस्ड है और इसके लिए रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन, समझ लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग देखते हैं कि एसर्शन रीजनिंग, एसर्शन रीजनिंग, एसर्शन रीजनिंग, जैसे मान लीजिए कि कथन, एसर्शन को कहेंगे कथन और रीजनिंग, रीजन को कहेंगे कारण, समझ लेंगे। ये रहता है, इसमें है कि अगर मान लीजिए पहले इसका कोड आंसर बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए ए आंसर अगर होगा, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी आंसर होगा अगर, तो ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है।
सी आंसर होगा तो ए इज करेक्ट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, कथन सही है कारण गलत है, और डी आंसर होगा तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यानी कथन गलत है और कारण सही है। अब जैसे क्वेश्चन है, कथन है कि गंगा के मैदान में गैंगेटिक प्लेन रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कथन है इन गैंगेटिक प्लेन रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये कथन है assertion है, कारण इसका दे दिया इन गैंगेटिक प्लेन अल्टीट्यूड इंक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता दो, क्या आंसर होगा इसका, गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, और कारण क्या है कि गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है, तो कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा घटती है ये बात सही है, इसका कारण क्या है कि वर्षा की मात्रा इसलिए घटती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है वो हवा रास्ते में वर्षा करते हुए चलती है, तो अब देखिए बंगाल की खाड़ी से हवा आई तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है मूव करती है तो वर्षा करते हुए चलती है, तो पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती है क्योंकि उस हवा में जो नमी की मात्रा है मॉइस्चर कंटेंट है वो घटता जाता है, तो घटता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन कोलकाता एनुअल रेनफॉल इज 120 cm इन पटना, 105 cm इन इलाहाबाद और प्रयागराज, 96 cm इन दिल्ली, ओनली 56 cm एनुअल रेनफॉल है ना, क्यों, तो पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती है क्योंकि हवा में उपस्थित नमी घटती जाती है, नमी घटेगी तो रास्ते में आगे वर्षा भी कम होगी, समझ रहे बात को, ये कारण है, और रही बात कि गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है ये सही है लेकिन इसके वजह से वर्षा घटती है ये सही नहीं है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से जो है यानी ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये बिना कंसेप्ट का नहीं बन सकता, आप यहाँ पर ज्योग्राफी में बताओ, ज्योग्राफी बताऊंगा तो जीएस के तौर पर ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, फॉर जीएस पर्पस ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन टू ग्रुप, फर्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, फर्स्ट क्या हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको कहेंगे विश्व भूगोल, और सेक्शन बी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, ये दो सेक्शन, बिहार में इसी में तेल जुड़ जाएगा, बिहार का भूगोल, अगर झारखंड का दीजिएगा चाहो झारखंड का भूगोल, यूपी का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये रीजनल क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ बिहार, या आप ये भी कह सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू ज्योग्राफी ऑफ बिहार आल्सो, भारत का भूगोल बिहार के विशेष संदर्भ, समझ रहे हैं, ये आपका है। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कहने के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे या पूछा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जैसे देखिए ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हुआ इस पृथ्वी पर जितने चीज आप देखते हैं एवरीथिंग व्हिच यू सी ऑन दिस अर्थ सरफेस व्हिच इज क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा बना हुआ है वो फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है, भौतिक पर्यावरण का भाग है, और इसी भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है।
फिजिकल ज्योग्राफी की परिभाषा होती है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ कॉल्ड फिजिकल इन व्हिच वी इंक्लूड द कंसीडरेशन ऑफ रिलीफ ऑफ द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द सीज एंड ओशंस व्हिच इज कॉल्ड ओसनोग्राफी एंड ऑफ द एयर क्लाइमेट इट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है जिसमें हम पृथ्वी के उच्चावच का उच्चावच ऊंचा नीचा धरातल पर्वत पठार मैदान ये उच्चावच है जिसमें पृथ्वी के उच्चावच का अध्ययन किया जाता है तथा यह भूआकृति विज्ञान कहलाता है समुद्र महासागर का अध्ययन किया जाता है जो समुद्र विज्ञान कहलाता है और वायु का जलवायु का अध्ययन किया जाता है मौसम का अध्ययन किया जाता है जो मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान कहलाता है ये भौतिक पर्यावरण भौतिक भूगोल का ये तीन पार्ट होता है मैं समझ रहे स्थल जल वायु तीनों का अध्ययन होगा तो स्थल जल वायु जब तीनों का समागम होता है तो वहां जीवन का विकास होता है इसके बीच में तीनों के मेल से बीच में जो बनेगा एक प्लेस बनेगा जिसको हम कहेंगे बायोजोग्राफी कहेंगे जीव भूगोल कहेंगे है ना जीव भूगोल कहेंगे इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है जीएस में कि तीन सर्किल बना देगा सब एक दूसरे को काटेगा अब पूछेगा एबीसीडी कर देगा इसमें लाइफ कहां सर्वाइव करेगा इसमें बायोजोग्राफी यानी जीवन का विकास कहां होगा तो जहां पर तीनों का मिलन होगा स्थल जल वायु तीनों का मिलन होगा जैसे ये क्वेश्चन ये देखिए इसको हम कह देते हैं ओशन यानी वाटर ये हो गया लैंड और ये एयर और देखिए ए बी सी डी इसमें लाइफ कहां होगा सी के पास क्यों तो सी के पास तीन जीवन के विकास के लिए स्थल जलवायु क्यों नहीं कर सकता तो बीच में ये पार्ट का यही हो जाएगा बायोजोग्राफी समझ रहे हैं इस तरह के सवाल आते हैं तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा इस पे देखिए जो आप चैप्टर जो आप पढ़ेंगे जिससे सवाल पूछा जाता है पहला है सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली सेकेंड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला हुआ कि सौर मंडल या सौर परिवार इसके बाद नेक्स्ट रॉक्स यानी चट्टान उसके बाद ज्वालामुखी तथा भूकंप वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक उसके बाद फ्लूवियल टोपोग्राफी नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति उसके बाद ग्लेशियर टोपोग्राफी हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति उसके बाद कार्स्ट टोपोग्राफी कार्स्ट स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में बनते हैं उसके बाद अगला ये शुष्क स्थलाकृति या पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति एरिड टोपोग्राफी उसके बाद कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर वायुमंडल का संगठन और संरचना उसके बाद वायु दाब और पवन है ना एयर प्रेशर एंड विंड बादल तथा वर्षा के प्रकार टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड रेनफॉल साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स चक्रवात तथा प्रति चक्रवात है ना उसके बाद महासागरीय धारा महासागरीय लवणता ज्वार भाटा प्रवाह भित्ति ओशन करेंट ओशन सैलिनिटी टाइड्स उसके बाद कोरल रीफ ये सब चैप्टर हो जाएगा ये सब सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट इसके बाद फिजिकल से अलग एक वर्ल्ड डेटा से रिलेटेड डेटा बेस जो इंफॉर्मेटिव होगा जैसे स्टेट्स एंड स्टूमस ऑफ वर्ल्ड पृथ्वी के संसार के स्थल जल संधि और स्थल संधि समझ लें इससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर आता है उसके बाद आके फिर संसार के घास के मैदान ग्रासलैंड्स उसके बाद संसार की प्रमुख जोड़ने वाली नहरें कनेक्टिंग कैनाल्स उसके बाद संसार मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ए मैप लिखने की आवश्यकता मत लिखिए लिखिएगा तो इसको कर दीजिएगा नहीं लिख पाए होगा है ना अने तो इससे आप ले लीजिएगा मुकुल से है ना उसके बाद घास के मैदान ग्रासलैंड है ना ग्रासलैंड के बाद फिर संसार की जनजातियां ट्राइब्स अब देखिए ये सब क्वेश्चन हर साल आता है इसे याद रखिएगा इसको आप अभी क्या किसी साल का क्वेश्चन लेके देख लीजिए ट्राइब से क्वेश्चन आता है जनजाति से आता है क्वेश्चन बस में यूपीएससी में आता है यूपीएससी में भी आता है उसके बाद आके फिर संसार के फसल प्रमुख फसल उसके उत्पादक देश डेटा जैसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है ना अभी जैसे चावल की बात कीजिएगा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है पहला चीन है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश आपको पता है कि भारत से जो बासमती चावल दुनिया का सबसे ज्यादा बासमती भारत में उत्पादित होता है देहरादून का चावल अपने स्वाद सुगंध के लिए पूरे दुनिया में नाम भाग कमाए हुए हैं और भारत का बासमती जो है इसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है पता है सऊदी अरब खरीदता है बहुत लाइक करता है ना भारत से खरीदता है बासमती चावल भारत सबसे ज्यादा उसी को बासमती चावल देता है समझ रहे
तो इस तरह का डेटा आएगा। उसके बाद मिनरल्स, संसार के प्रमुख खनिज तथा उसके उत्पादक देश मिनरल्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग कंट्री, पूछेगा कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, है ना। आने वाले समय में ये भी पूछेगा कि भारत कौन सा स्थान है। तो अब जब अपना बिहार के जमुई में जब सोना का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बिहार लीडिंग पोजिशन में आ जाएगा, वर्ल्ड के प्रमुख सोना उत्पादक देश में इसका नाम आ जाएगा, 1 से 4 के बीच में भारत का स्थान है, समझ रहे हैं। क्योंकि भारत में भी जो सोना है उसका 54% अकेले जमुई, 54% क्या 44% अकेले जमुई में, और जब उत्पादन होगा तो बिहार भारत का करीब 54 या 56% अकेले हमारा बिहार देगा उत्पादन सोना में। सोचिए कितना, अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ लेकिन होने वाला है जल्दी होगा, ये सब बातें हैं। उसके बाद आके एक चैप्टर आएगा कि संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड या इसको क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं, बात समझ रहे हो, जलवायु प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश, इससे एक क्वेश्चन रहता है यूपीएससी में, बीपीएससी में रहता है क्वेश्चन। उसके बाद जो है आगे फिर पढ़ेंगे, एक चैप्टर होगा मिसलेनियस, है ना, जो रेडीमेड इंफॉर्मेशन है। और बीपीएससी के लिए मैं दावे के साथ कहूंगा कि इसको अगर आप 100-200 रेडीमेड इंफॉर्मेशन है, आप बीपीएससी परीक्षा या बिहार के किसी भी परीक्षा में जाते हैं, हर साल हर परीक्षा में इसे क्वेश्चन रहेगा, समझ ले बात, हर परीक्षा में हर साल इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। ये सब है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद फिर भारत का पढ़ेंगे, तो भारत का पढ़ेंगे पहला तो भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भारत का परिचय, वर्ल्ड पृथ्वी पर इसका ग्लोब पर क्या पोजिशन है, इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अगर आप भारत के इंट्रोडक्शन को आप सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो इससे एक क्वेश्चन रहने की संभावना होगी और वो एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा मानचित्र के थ्रू, समझ रहे। उसके बाद इसका जो चैप्टर होगा भारत के भौतिक विभाग या भौतिक इकाई फिजियोग्राफिक डिविजन और यूनिट्स ऑफ इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट भारत की जलवायु क्लाइमेट ऑफ इंडिया, समझ रहे मानसून के बारे में। उसके बाद फिर भारत की नदियां और नदी घाटी परियोजना रिवर्स एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, परसेंटेज वेजिटेशन के बारे में पूछता है, है ना। उसके बाद भारत की मिट्टी, प्रमुख मिट्टी, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसको जानना है। उसके लिए कौन कौन से फसल उपयुक्त है, किस मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको जान लीजिएगा। तो आपको ये पीटी में भी, अच्छा ये जो पोर्शन आप पढ़िएगा, उन्होंने कहा मेंस के बारे में, आपको मेंस यही रहेगा, इसको आप मेंस के तौर पर भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी दीजिएगा तो यूपीएससी में मेंस में ही भी, वर्ल्ड भी, इंडिया भी, आई बात समझ। इसलिए इसको दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी में आपको दोनों मेंस में रहेगा और बीपीएससी में ये केवल मेंस में, तो कंसेप्ट देखिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं भारत पर, तो भारत को अगर चैप्टर वाइज करके पढ़िए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन से भी सवाल बनेगा, एक आध क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी बनता है, फिलहाल तो 10 साल 12 साल 15 साल से नहीं देख रहे, यूपीएससी पहले अक्सर पूछा जाता था। भारत हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष भाग पर स्थित है, इससे भारत को कौन कौन से आर्थिक सौलभ्य प्राप्त है, इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया, समझ रहे। उसके बाद जो है भारत का भौतिक विभाग या भौतिक इकाई फिजियोग्राफिक डिवीजन और यूनिट्स ऑफ इंडिया, ये आप अगर पढ़िएगा। हिमालय पर्वत की व्याख्या, उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक आधार पर करें, या हिमालय पर्वत की संरचना उचावच का वर्णन करें, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी पठार, पर्वतीय पठार की संरचना उचावच का वर्णन करें, है ना। उत्तरी मैदान, गंगा के मैदान की संरचना उचावच का वर्णन करें, समझ लेने, ये क्वेश्चन यूपीएससी के बार पूछा है कि बताइए कि तराई का निर्माण क्यों शिवालिक के निचले। आप अगर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जब आप गंगा का उत्तरी मैदान पढ़िएगा, इसी में पढ़िएगा कि देयर आर मेनी लैंडफॉर्म्स फाउंड इन दिस इन गैंगेटिक प्लेन या इंडो गैंगेटिक प्लेन, सच एज भावर तराई, खादर एंड बांगर। आप अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूछ दिया जाएगा कि क्यों शिवालिक के निचले भाग में तराई का निर्माण जो शिवालिक के निचले भाग में हुआ है, जबकि भावर का निर्माण हिमालय के निचले भाग में हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस तरह का क्वेरी आपके अंदर नहीं है, तो चैप्टर को पढ़िए, क्वेश्चन को मत पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए, उसे क्वेश्चन सिर्फ बनाने का प्रयास कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं, समझ रहे। तो जलवायु पढ़िएगा, उसके बाद
जलवायु का अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून पढ़ लेते हैं, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, मानसून का रिट्रीटिंग क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसको अगर आप जान गए, भारतीय मानसून पर जो एलिनो का इफेक्ट है वो क्या है, कैसे पड़ता है, अगर इसको आप जान लिए तो आपको अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पूछ देगा कि तमिलनाडु में और पंजाब में जारे में वर्षा होती है, इन तमिलनाडु में इन पंजाब रेनफॉल आकर इन विंटर सीजन डी द रीजन है ना, इसका कारण बताए, तब कहेंगे कि तमिलनाडु में, अब जब आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे, देखिए कुछ प्रश्न होता है ऐसा, आप उसको देखिए, हर प्रश्न को देखिए, उसके नेचर को देखिए, तो जो प्रश्न पूछा उसी को आप आंसर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसमें आपको अच्छा नंबर आएगा, हर क्वेश्चन में नहीं होता है लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में, जहां से जो क्वेश्चन पूछा उसी को आप आंसर बदल दीजिए, तो एग्जामिनर समझता है कि भाई इसको, यानी प्रश्न को आंसर में बदलने में मैंने आपके अंदर ये काबिलियत है। जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु और पंजाब में जारे वर्षा होती है, कहिएगा कि तमिलनाडु और पंजाब में जारे में वर्षा होती है परंतु दोनों के वर्षा का कारण अलग अलग है। तमिलनाडु में वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी मानसून, जब उत्तरी पूर्वी मानसून की कुछ हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर आती है तो रास्ते में नमी ग्रहण कर वो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती है, या वर्षा कुछ वर्षा उड़ीसा तथा आंध्र के तटवर्ती भागों में होती है परंतु अधिकांश वर्षा तमिलनाडु में होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है और तट से अंदर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, समझ रहे हैं। इसके विपरीत पंजाब में भी जारे में वर्षा होती है, तो पंजाब में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यूपीएससी ने केवल क्वेश्चन पूछा, बराबर पूछा है कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज ए टेम्परेट साइक्लोन व्हिच जनरेट या ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी इन विंटर सीजन, है ना, काफी संख्या में वहां टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट करते हैं और उसमें से कुछ साइक्लोन को वेस्टर्नली जेट हवा, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम पढ़े हैं, वेस्टर्नली जेट हवा जब चूंकि पश्चिम से पूरा चलती है तो वेस्टर्नली जेट हवा एक स्ट्रॉन्ग विंड है, अपर एटमोस्फेरिक विंड फ्लो है, तो वेस्टर्नली जेट हवा जब पश्चिम से पूरब की ओर चलती है तो चूंकि ज्यादा शक्तिशाली है, उस टेम्परेट साइक्लोन में विंड वेलोसिटी हार्डली 50 किलोमीटर पर आवर है लेकिन जेट स्ट्रीम में हवा का वेग कितना है तो करीब 350 से 500 किलोमीटर पर आवर है। कुछ ये जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल, दूसरा चीज है पहले यहाँ सब ट्रॉपिकल नहीं आता, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड है, अपर एटमोस्फेरिक विंड सिस्टम में जो 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है ग्लोब के चारों तरफ, जैसे ग्लोब है ना इसके चारों तरफ चलती है ऐसे पश्चिम, जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है और इसी डायरेक्शन में ये हवा घूमती है चारों तरफ सालों भर नॉर्थ पोल से लेकर 15 डिग्री अंतर, बात समझ रहे हैं। ये वेस्टर्नली जेट जो है कुछ चक्रवात को अपहरण कर लेती है और उसको जबरदस्ती अपने साथ पूरब की ओर ले चलती है, वह है साइक्लोन, उसका नेचर है रास्ते में वर्षा कराती है, साइक्लोन है तो वर्षा कराना उसका नेचर है, तो वो जब वेस्टर्नली जेट उसको लेके चलती है वो रास्ते में वर्षा करते हुए चलती है, जैसे पहले वर्षा होती है इराक में होती है, फिर ईरान में होती है, अफगानिस्तान में होती है, पाकिस्तान में हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, उसकी नमी तो कम होती जाएगी ना, फिर जब अंत में पाकिस्तान के बाद भारत प्रवेश करती है पंजाब उसके आसपास में वर्षा कर देती है, उसके पास जो भी बची खुची नमी है वर्षा के रूप में गिरा देती है, ये वर्षा पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी यूपी दिल्ली उत्तरी राजस्थान हरियाणा इन सभी भागों में जो मैं बताया इसकी जो नमी है सब गिर जाती है वर्षा के रूप में। ये वर्षा दिसंबर जनवरी फरवरी महीनों में होती है और यह वर्षा रबी फसल के लिए रामबाण होता है, इससे रबी फसल का बंपर प्रोडक्शन होता है, वहां पर रबी फसल का प्रोडक्शन इसी वर्षा पर निर्भर करता है, ये वर्षा हो जाती है, इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और वर्षा कराने के बाद यह हवा हो जाती है शुष्क। यही हवा जब फिर आगे बढ़ती है, हम जानते हैं कि विंटर सीजन में जो थार डेजर्ट है, बालू जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा, तो ठंडा में बहुत ठंडा रहता है, तो यही वर्षा के बाद ये शुष्क हवा राजस्थान के थार डेजर्ट के शीतलता को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको लेकर पूरब की ओर जब मैदान में ईस्टवर्ड चलती है तो प्रभावित क्षेत्र में थर्मामीटर का मरकरी अचानक नीचे गिरने लगता है, कंपकपी सर्दी शुरू हो जाती है, इसी को हम यहाँ कहते हैं शीतलहर कहते हैं।
कोल्ड ड्रिप कर, तो ये जो है आप उस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के बाद आप पढ़िएगा नदियां और नदी घाटी परियोजना। अब देखिए पीटी में है ये, मेंस में इसमें एक आध क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक क्वेश्चन कि बताइए कि सॉरी भारत में बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विरुद्ध हो रहे आंदोलन के प्रासंगिकता का वर्णन करें। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो बांध बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सरदार सरोवर के विरुद्ध मेधा पाटेकर, इधर टिहरी डैम के विरुद्ध सुंदरलाल बहुगुणा, और ऐसे भी बहुत सारे डैम है इसका विरोध किया जाता है, तो क्या सही है या गलत है? आपको यू हैव टू जज, आपको इसमें आर्गुमेंट देना है कि अगर सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है। आप तो एक स्टूडेंट है ना, आप एक ब्यूरोक्रेट बनिएगा, तब मान लीजिए अगर परियोजना कर दीजिएगा नहीं एकदम गलत है, अकॉर्डिंग टू गलत है, कर दीजिएगा, तो फिर आपको चयन क्यों करेगा? गलत है, एक मिनट, गलत है तो आपका चयन क्यों होगा, आपको नंबर क्यों मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई तब तो ये परियोजना नहीं होना चाहिए। परियोजना अगर नहीं लॉन्च किया जाएगा तो फिर बिजली कहां से आएगी, बिजली कहां से आएगी, सिंचाई कैसे विकसित होगा, सिंचाई की क्षमता का विकास कैसे होगा, कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, फ्लड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम ड्राउट को कैसे हम जो है मिटिगेट करेंगे, ये सब हमारे पास होगा, साधन नहीं होगा। आपको बीच बचाव वाला रास्ता ज्योग्राफी में कहा जाता है कि मानव या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, देश जो ही संसाधन का उपयोग करता है, संसाधन का उपयोग नहीं करेगा तो इंसान जीवित रहेगा? संसाधन के बगैर हम लोग जीवित रहेंगे नहीं, रह सकते तो संसाधन का उपयोग करेंगे तो नेचर को हार्म होगा ही, हम नेचर के छोड़ देंगे कि वैल्यू करेंगे क्योंकि हार्म होगा तो हम बढ़ जाएंगे, हम प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं हम, है ना, हमारे पास तेज दिमाग है ना, दो हाथ है, तो हम जो है बीच बचाव वाला रास्ता अपनाएंगे, समझ रहे बात, करेंगे कि मान लीजिए आप परियोजना बड़ा ज्यादा बड़ा बनाइएगा तो ज्यादा समय लगेगा उसको बनने में, उसमें पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा, तो आपका अगर मान लीजिए बिजनेस आप जितना बड़ा शुरू कीजिएगा अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस भी तो बड़ा होगा, तब तो आप रोड कहीं का नहीं रहिएगा, कोई ठिकाना रहेगा, तो इसलिए बेहतर हो अगर आप छोटा बिजनेस करें, अगर डूब भी गया तो चलो कोई बात नहीं फिर से शुरू कर देंगे, तब परियोजना बड़ा तो खर्चा बड़ा, बनने में समय भी बहुत ज्यादा लगता है। देखिए ज्योग्राफी में एक रेडिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट है कि अगर हम हमारे आसपास जो संसाधन है उसका हम अगर उपयोग करते हैं तो नेचर को हार्म होता है, उसका रिएक्शन होगा नेचर का, यानी जैसे आप क्लाइमेटिक चेंज या बहुत सारा जो आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इस तरह का है ना, ये सब देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर तो है नहीं करना चाहिए, लेकिन रेडिकल ज्योग्राफी को कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई संसाधन है उसका उपयोग करेंगे तो नेचर को हार्म होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगी, है ना, उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन यदि उस परियोजना से, उस उपयोग से, भोग से अगर मानव को त्वरित लाभ मिलता है तो वो करना क्या करना चाहिए, ये रेडिकल ज्योग्राफी का कांसेप्ट है, क्योंकि इंसान अभी ज्योग्राफी का वर्तमान कांसेप्ट क्या है, इसको कहते हैं ह्यूमन ओरिएंटेड, ह्यूमन वेलफेयर ओरिएंटेड, मानव कल्याण, अंततः ये ज्योग्राफी का जो अध्ययन करती है इसके पीछे हमारा क्या तथ्य, क्या हमारा क्या रहस्य है, क्या हमारा जो है उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण, समझ रहे? अगर मान लीजिए कोई बहुत दर्द से करा रहा, दर्द से मर जाए, दर्द से मर जाए, और उसको अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक देंगे तो उससे उसको किडनी पर असर पड़ेगा, उसके लीवर पर असर पड़ेगा, जान रहे उसका दुष्प्रभाव है, तो मर रहा है उसे दर्द से मर जाएगा, तो उस परिस्थिति में क्या करता है डॉक्टर, वो एंटीबायोटिक देता है, अरे किडनी लीवर पर होगा बाद में होगा, पहले तो दर्द से उसको बचाया जाए तब देखा जाएगा उसका भी उपचार किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है रेडिकल ज्योग्राफी का। तो हम अगर संसाधन का उपयोग करेंगे तो नेचर को हार्म होगा, अगर हम गलत तरीके से बड़ा हम परियोजना लगाते हैं तो समय भी ज्यादा जाएगा और खर्चा भी ज्यादा होगा, नुकसान भी ज्यादा होगा, तो बेहतर क्यों ना हो कि हम छोटा परियोजना बनाएं, छोटा परियोजना बनाएंगे तो खर्चा उसमें कम लगेगा, जल्दी उसका लाभ मिलेगा लोगों को और नेचर को नुकसान भी कम होगा। नेचर क्या कहता है, तुम हमें छोटा मोटा घाव दोगे तो उसकी भरपाई हम कर लेंगे, लेकिन बड़ा घाव दोगे तो उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आपको कहीं अगर मान लीजिए कट जाता है, कुछ दिन पहले मेरा ये यहाँ पर कट गया, तो कट गया तो हम जाके सीधे जाके आईसीयू में भर्ती हो गए, नर्सिंग होम में, या अपने ठीक होंगे, अपने ठीक होंगे, समझ लेंगे,
अगर वही अगर ज्यादा सीरियस होगा तब तो फर्क ही होना पड़ेगा। आप नेचर को छोटा मोटा घाव दीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसकी अपनी जो है रिकवरी कर लेगी, उससे दिक्कत नहीं होगी, समझ लेना। लेकिन बड़ा घाव दीजिएगा तो उसको भरपाई नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो है इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर प्राकृतिक वनस्पति से का क्वेश्चन बनता है, नहीं भी बनता है, मिट्टी से बनेगा क्वेश्चन, मेन से भारत की मिट्टी। यूके शिव अक्सर पूछता है कि भारत को मिट्टी प्रमुख मिट्टी प्रदेशों में बांटकर उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, समझ रहे, या काली मिट्टी सब क्या समझते हैं उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, लाल और पीली मिट्टी सब क्या समझते हैं उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, जलोढ़ मिट्टी सब क्या समझते हैं उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, है ना, लेटराइट मिट्टी सब क्या समझते हैं उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरह का सवाल जो है मिट्टी से बनेगा। उसके बाद मिट्टी के बाद एक सिंचाई चक्कर आएगा, पीटी में भी रहेगा, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद कृषि एग्रीकल्चर से रहेगा, एग्रीकल्चर से तो काफ़ी क्वेश्चन आता है। अभी 3-4-5 साल पहले बीपीएससी में एग्रीकल्चर एक जगह में पढ़ाया था, वही क्वेश्चन जो है मैं उस पर बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है, संजोग से आदि गया उससे, समझ रहे। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, समझ रहे। एग्रीकल्चर के बारे में जानिए, एग्रीकल्चर के बाद फिर मिनरल्स है, मिनरल्स के बाद फिर इंडस्ट्री है, है ना, इंडस्ट्री सबसे एक आध क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, मिनरल से बनेगा नहीं बनेगा, है ना, लेकिन एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन से मेन में का क्वेश्चन बनेगा नहीं भी बनेगा। उसके बाद आके फिर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से क्वेश्चन बनता है। ये सब चैप्टर है, उसे पढ़िएगा, पीटी में भी पढ़िएगा। जो चैप्टर पीटी में है भारत में वही मेंस में भी रहेगा। तो बस पीटी में इंफॉर्मेटिव आपको केवल हमें जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और मेंस में उसको लिखना है, उस पर आपसे विचार पूछा जाएगा, अपना विचार दीजिएगा। तो जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तब ना आप अपना विचार दीजिएगा। इसीलिए किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो आप अपने हिसाब से पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, और अगर आप समझ गए तो फिर आप बात समझ आए।